हाय गाइस, रेडमी नोट 5 बैक टू ए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेडमी नोट 5 के फ़ोन में आपको डुअल 4G 4G का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं। तो गाइस, आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है रेडमी नोट 5 का फ़ोन और इसमें जो अपडेट है गाइज वो भी MIUI 10 का ही है, ना कि एंड्रॉयड पाई का अपडेट है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 10.2.1.0 का, वो मैंने अपडेट कर रखा है इस फ़ोन में। तो गाइज, बात ये थी कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे गाइज कि आपके फ़ोन में डुअल 4G 4G का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं। तो जाहिर सी बात है गाइज, आपके फ़ोन में सपोर्ट मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि इसमें 625 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, तो सपोर्ट तब भी मिलेगा गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे मिलेगा सपोर्ट इसमें। तो सपोर्ट मिलने के लिए आपके स्क्रीन पर दो इमेज आ रहे होंगे गाइस अभी यहाँ पे, और उसमें MIUI 1 है। आप अगर यूज़ किए होंगे वो फ़ोन, तो उसमें देख लेंगे डुअल 4G 4G का सपोर्ट है गाइस, और स्नैपड्रैगन 625 इसमें भी है रेडमी नोट 5 में, और इसमें अभी तक कोई नहीं इनेबल किया गया है गाइस। ये Xiaomi वालों अगर चाहें तो ये सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बोला है कि इसमें Xiaomi वालों ने क्या बोला है कि इसमें सपोर्ट नहीं करेगा डुअल 4G 4G गाइस, लेकिन इसमें सपोर्ट करेगा गाइस, क्योंकि स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है, MIUI 1 में वही प्रोसेसर है, इसमें भी वही प्रोसेसर है सेम टू सेम गाइस। तो उसमें वर्क कर रहा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं करेगा गाइस? इसमें भी ज़रूर वर्क करेगा। अगर आप कहीं करते हैं गाइस थ्रेड्स डाल के हमारी कम्युनिटी पर पता करें, तो Xiaomi वालों को डायरेक्ट पता कर सकते हैं गाइज। आज की वीडियो में इतना ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे गाइज, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए हमें गाइज, इससे आपको कुछ न्यू पता चलेगा गाइज़।